और हर चीज में वो ग्रैटिट्यूड आ रहा है, और हर चीज में बिकम्स इतना एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बनता जा रहा हाँ, है। आई वॉन्टेड टू शेयर वन थिंग। कल रात को ड्रीम्स में ना कुछ अच्छा अच्छा ड्रीम्स आया, आई जनरली आई टेंड टू रिमेम्बर माई ड्रीम्स, तो कभी कुछ अजीब अजीब आता है। कल कुछ ऐसे बिट्स एंड पीसेस, कुछ जो भी दिमाग में है, ऐसा मॉर्निंग में उठ के ना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील था। फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा लगा कि तो समथिंग वेरी गुड, थैंक्स थैंक्स अ लॉट। मैं तो कितना थैंक्स बोलू वो कम है। So lovely. I'm so happy to hear that. Your face Very is nice. glowing. Yes. Thanks to you all. Thanks for this session. I mean, this is really doing wonders. Ashvika, shall we start today's session? Shalini, will you read? Yes. Yeah, I just wanted to say something before we start today's session. The video clip that I showed today, the song was something different, but I showed this video on purpose because in this movie is really very inspiring. Because जिसने भी ये movie देखा है, it's like the boy has many flaws, पढ़ नहीं पाता है, he has dyslexia. But कहीं ना कहीं कुछ अच्छा है। सो दैट टीचर वॉज लाइक द मैजिक थिंग इन हिज लाइफ एंड ही वॉज द गाइडिंग लाइट, जिसने उसको पेंटिंग में इतना आगे बढ़ाया एंड ही गेव हिम द अपॉर्चुनिटी एंड एवरीथिंग। So सो you are the magic. You are the magic of my life right now. Thank you. Thank you so much. Yeah, so today is day 17. We have come a long way together. And today's chapter is the magic check. You can see in the picture ki matlab kaise ek check pada hua hai aur kaise gratitude apna magic kar raha hai us check mein. And I'm sure the jis bhi person ka wo check hai, the check is doing magic wonders for that person in his life. So I hope aap sabke life mein aise check ka matlab kabhi kami na aa rahe. Yeah. In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen. By William S. Burroughs, writer and poet. ओके तो हम पहले जैसे हमने कल मिरेकल्स के बारे में पढ़ा, तो कभी कोई चमत्कार होता था तो हमें लगता था कि हाँ ये तो कुछ अलग ही हो गया, ऐसा तो किसी के साथ हुआ ही नहीं होगा, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, ये तो भगवान का चमत्कार है, ये ऐसा हम बोलते हैं ना। बट ऑल द थिंग्स दैट हैपन इन दिस यूनिवर्स, सबके लाइफ में, इस यूनिवर्स में, नेचर में जो भी चीज होता है ना, वो कोई भी कोइंसिडेंट या एक्सीडेंट्स नहीं होता है। एवरी थिंग इज मेंट टू हैपन, और वो तभी होता है वो चीज जब कोई वो चीज चाहता है। अगर आपके लाइफ में कोई मैजिकल चीज हो रहा है पर आपको एकदम बिलीव नहीं है कि हाँ आपके लाइफ में ऐसा भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं कोई चाहता है कि वो मैजिकल चीज आपके साथ हो। दैट इज ओनली द रीजन कि वो चीज आपके साथ हो रहा है। देर इज नो चमत्कार कि हाँ बिना किसी के बोले, बिना किसी के कुछ सोचे कुछ भी हो जाएगा। नेचर में देर आर वंडर्स, पर इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर होता है। सो इस यूनिवर्स में कोई भी कोइंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स नहीं होता। आपके साथ कुछ अच्छा हो भी रहा हो ना, और भले आपने नहीं मांगा हो, तो आप इस चीज के लिए थैंक यू बोलो कि कहीं कोई है ऐसा इंसान जो आपका लाइफ अच्छा बनाने के लिए आपके लिए प्रे कर रहा है। When you direct gratitude's magical power towards any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means that when you get yourself to the place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. तो ग्रैटिट्यूड का मैजिकल पावर क्या करता है? अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन होता है और हम कोई नया सिचुएशन, जैसे कल हमने हेल्थ में पढ़ा था कि अगर हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम है पर हम एक नया सिचुएशन के बारे में सोच रहे जिसमें हमें हम अपने आइडियल स्टेट में है, जिसमें वी आर गिविंग थैंक्स जो हमारे पास अभी नहीं है,
पर हम एक नया कंडीशन अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं। तो ग्रैटिट्यूड का मैजिकल पावर फिर क्या करता है, तो जो ऑलरेडी नेगेटिव सिचुएशन है आपके लाइफ में, जो नेगेटिव कंडीशन है, उसको हटा के जो आप न्यू कंडीशन के बारे में सोचते हो ना, वो उसको आपके लाइफ में ला देता है। इसका अगर हम इसका सेम एग्जाम्पल मनी में लेते हैं, अगर आपके पास आज लैक ऑफ मनी है, कुछ भी मतलब आपके पास, मतलब किसी भी वे में आपका कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है या कहीं पे कोई पैसा फंसा हुआ है, कुछ भी हुआ हुआ है, तो आप उस चीज पे फोकस करने की जगह आप ये सोचो कि वो पैसा मेरे पास निकल के आ गया उस जगह से, अभी मेरे पास वो, अभी मेरा वो पैसा फंसा हुआ नहीं है, वो ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है, उस इंसान ने मेरे को पैसा रिटर्न कर दिया है। तो जब आप अपने माइंड में ये न्यू कंडीशन बनाते हो ना, तो ग्रैटिट्यूड का जो मैजिकल पावर है वो क्या करता है, वो आपका जो पैसा फंसा हुआ प्रॉब्लम था ना, वो उसको हटा के आपको वापस पैसा दिलवा देता है। तो वो नेगेटिव सिचुएशन को एलिमिनेट करके हटा के आपको मैजिकली पॉजिटिव सिचुएशन में डाल देता है, पर आपको पहले उसके बारे में सोचना पड़ेगा, आपको सिचुएशन को थैंक्स देना होगा और आपको बताना होगा यूनिवर्स को कि हाँ मेरे को ये सिचुएशन चाहिए अपने लाइफ में, मेरे को वो नेगेटिव सिचुएशन नहीं चाहिए। तो जब तक आप बताओगे नहीं यूनिवर्स को, उसको कैसे पता चलेगा? तो यू हैव टू से टू द यूनिवर्स कि हाँ मेरे को ये सिचुएशन नहीं चाहिए, मेरे को इसके बदले कुछ और सिचुएशन चाहिए। All bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it a little more. If you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. The law of attraction says that like attracts like. So if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. If you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. तो हमारा जो भी बैड फीलिंग्स होता है ना अबाउट मनी, आज हमारा मनी का चैप्टर है तो हम स्पेसिफिकली इसी पे फोकस करेंगे, आई ट्राई एंड गिव एग्जांपल्स इसी टॉपिक पे। तो जो हमारा बैड फीलिंग्स होता है ना मनी के बारे में, कोई भी फाइनेंशियल चीज के बारे में, वो मनी को हमसे और दूर भगा देता है। और जो अमाउंट ऑफ मनी ऑब्वियसली अगर दूर जाएगा हमसे, तो मनी हमारे पास कम हो जाएगा, हमारे पास लैक ऑफ मनी हो जाएगा। और हर टाइम हम जितना जितना, अगर हम थोड़ा थोड़ा भी बुरा फील करते हैं ना कि आज मेरे पास इतना पैसा नहीं है, उतना नहीं है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके और रिड्यूस होते जाता है। चिंता करने से भरने के जगह वो चीज और ज्यादा कम होता जाता है। तो अगर आपको मनी के लिए कोई भी एनवी है, मतलब जेलसी है किसी से, कोई डिसअपॉइंटमेंट है कि आपके पास इतना नहीं है, आपको चिंता है कि मेरा फ्यूचर कैसे चलेगा, मेरे पास इतना नहीं है, ये नहीं है, आपको डर लगा रहता है कि अगर मेरे पास इतना नहीं हुआ तो क्या होगा, तो आप ये सोच लो कि चिंता करने से और ये सब इमोशंस लाने से कभी आपको और नहीं मिलेगा। आप ये नोटिस करना किसी भी फील्ड में, जिस चीज के बारे में आप बहुत चिंता करने लग जाते हो ना, तो वो और चीज खराब होता जाता है। इसीलिए तो मतलब जब अगर किसी को कोई बड़ा बीमारी ये सब होता है, तो डॉक्टर्स जनरली क्या बोलते हैं कि हम आपका इलाज करें, पर आप चिंता मत करो, लाइक डोंट टेक अ लॉट ऑफ टेंशन, क्योंकि टेंशन लेने से ही आधा बीमारी ऐसी ही आ जाता है। तो मनी के केस में भी वो है, अगर आप इतना चिंता करोगे ना, तो मनी के केस में भी मनी आने के जगह जितना है आपके पास थोड़ा बहुत, वो भी चला जाएगा। तो हमने पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सीखा था, वी लर्न कि लाइक अट्रैक्ट लाइक। तो सब हमारा माइंड का खेल है, सब कुछ हम माइंड से करते हैं, ऐसा कोई और चीज नहीं है। मतलब बॉडी पार्ट्स तो हम यूज करती है, पर माइंड इज वेरी पावरफुल। आप अपने माइंड में जो सोचोगे ना, आपके साथ फिजिकली भी वैसा ही होगा। तो अगर आप माइंड में नेगेटिव चीज सोचोगे मनी के बारे में, आपके पास एक्चुअली रियल लाइफ में वो ही होगा। आपको एक सेकंड के लिए भी, मतलब अगर आपको लग रहा है कि ठीक है आज तो थोड़ा ऐसे क्रिटिसाइज कर ही लेते हैं, आज तो थोड़ा क्रिप कर ही लेते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, पर आप एक सेकेंड के लिए भी अगर वो नेगेटिव फीलिंग अपने लाइफ में आने देते हो ना, तो वो एक सेकेंड का नेगेटिव फीलिंग बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कभी कभी तो ठीक है बुराई करना, पर नहीं करना चाहिए बुराई कभी कभी, क्या कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इतना सा करोगे ना बुराई, आपके पास से इतना सा जाएगा भी। तो इससे अच्छा मत करो, अगर अच्छा भी नहीं बोलना है तो बुरा भी मत बोलो ना फिर, ताकि जितना है एटलीस्ट वो तो कॉन्स्टेंट रहे आपके पास।
सो अगर आपको मनी के बारे में चिंता है, इफ यू आर वरीड अबाउट मनी, आपको यूनिवर्स और वरिंग सिचुएशंस देगा, क्योंकि यूनिवर्स को लगेगा आपको पसंद है चिंता करना. तो यूनिवर्स क्या करेगा, वो आपको और ऐसा सिचुएशन देगा मनी के बारे में जिसमें आपको चिंता करना पड़ेगा. अगर आप डर रहे हो कि आप अभी जिस स्टेट ऑफ मनी में, उसमें आप कैसे सर्वाइव करोगे, तो यूनिवर्स आपको और ऐसा सिचुएशन देगा जिसमें आप और डर जाओगे मनी को लेके. तो नेवर हैव एनी बैड इमोशन. आपके पास अभी जितना है आप उसके बारे में सोचो जो आपको आगे चाहिए, और उस पे फोकस करो, ताकि ना कि उस पे फोकस करो जो आपके पास नहीं है अभी. Can I please read? ओके. या प्लीज. फ्रॉम योर हाउएवर डिफिकल्ट इट मे बी, यू हैव टू इग्नोर योर करंट सिचुएशन एंड एनी लैक ऑफ मनी यू मे करेंटली बी एक्सपीरियंसिंग, एंड ग्रेटिट्यूड इज द गारंटीड वे फॉर यू टू डू दैट. यू कांट बी ग्रेटफुल फॉर मनी एंड डिसअपॉइंटेड अबाउट मनी एट द सेम टाइम. यू कांट बी थिंकिंग ग्रेटफुल थॉट्स अबाउट मनी and have worried thoughts about money at the same time. No car, nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you're grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, you're doing the very thing that brings more money to you. So, आपका सिचुएशन जितना भी डिफिकल्ट हो अभी, पर आपको सबसे ज्यादा ट्राई करना है, यू हैव टू ट्राई द मोस्ट टू इग्नोर योर करेंट सिचुएशन. जो आपके पास अभी नहीं है, आपको ट्राई करना है कि आप उस सिचुएशन को इग्नोर करो और उस सिचुएशन के लिए ग्रैटिट्यूड करना, उस सिचुएशन से ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो जो आपको आगे चाहिए. तो और ग्रैटिट्यूड आपको ये गारंटी करेगा कि वो चीज आपको मिले, चाहे आज ना मिले, कल ना मिले, पर कभी ना कभी वो चीज आपको जरूर मिलेगा. इफ अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं करते हो मनी का और हमेशा डिसअपॉइंटेड रहते हो, तो ऐसे आपका मनी और खत्म ही होगा. और अगर आप बोल रहे हो कि हाँ, मतलब कभी कभी ऐसे टेंशन हो जाता है पर कभी कभी ग्रैटिट्यूड भी करते, तो दोनों चीज नहीं हो सकता है, एक ही चीज. या तो आप टेंशन में हो या तो फिर आप ग्रेटफुल हो, क्योंकि आप पॉजिटिव और नेगेटिव चीज के बारे में, दोनों चीज के बारे में एक साथ नहीं सोच सकते हो. इधर यू आर अ पॉजिटिव पर्सन और यू आर अ नेगेटिव पर्सन. अगर आप नेगेटिव साइड पे थोड़े से भी झुके हुए हो ना, दैट मीन्स यू आर अ नेगेटिव पर्सन. तो जितना आई नो इट वेरी डिफिकल्ट, टेंशन सभी को होता है लाइफ में, बट यू हैव टू ट्राई. ट्राई करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. ट्राई, धीरे धीरे ट्राई करते करते आई एम श्योर यू विल रीच अ स्टेट जब आपको इतना एफर्ट ही नहीं डालना होगा, आपका माइंड खुद से ही वो पॉजिटिव साइड को ही देखेगा उस सिचुएशन के. सो यू कांट बी थिंकिंग ग्रेटफुल थॉट्स अबाउट मनी एंड हैव वरीड थॉट्स अबाउट मनी एट द सेम टाइम. ये पॉसिबल नहीं है. नॉर कैन यू बी ग्रेटफुल फॉर मनी एंड हैव फियरफुल थॉट्स अबाउट मनी एट द सेम टाइम. तो आप ग्रेटफुल हो और सेम टाइम पे चिंता कर रहे हो, ये नहीं कर सकते हो. और आप ग्रेटफुल हो और सेम टाइम पे बहुत डरे हुए हो अपने मनी का सिचुएशन को लेके, वो भी नहीं हो सकता है. जब आप सचमुच ग्रेटफुल होते हो ना मनी के लिए, नॉट ओनली यू स्टॉप नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स दैट पुश मनी अवे फ्रॉम यू, आप एक एफर्ट डाल लो. जैसे हम पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसी तरीके से ग्रैटिट्यूड भी एक एफर्ट है आपका, जो आपका और वो मनी को आप तक लेके आएगा. ऑलराइट, मेहनत तो करना ही है, पर उसके साथ साथ हमें ग्रैटिट्यूड भी करना है कि हाँ, और हमें फेथ रखना है कि हाँ, वो मनी हमारे पास आएगा. जो मैंने फ्यूचर देखा है अपने आगे, वो मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है, एंड श्योरली फ्यूचर में मेरे साथ वैसा ही होगा. तो आप जब ग्रैटिट्यूड करते हो, आप नेगेटिव फीलिंग्स को ही नहीं हटाते हो, साथ में आपका जो फ्यूचर है, आपका जो इच्छा है मनी को लेके, आप उसको और ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करते हो अपने टूवर्ड्स. यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड फॉर द मनी यू हैव रिसीव्ड एंड कंटिन्यू टू रिसीव. सो बिफोर यू यूज ग्रैटिट्यूड मैजिकल पावर फॉर द मनी यू वॉन्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड the various ways and avenues that money or riches could come into your life. Because if you're not grateful, each time your riches or money increases, you will stop the abundance from flowing to you.
तो पहले के मनी चैप्टर में हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर दी है, लाइक वी हैव ऑलरेडी गिवन ग्रैटिट्यूड फॉर द मनी. अभी तक हमें जो मनी मिला है और अभी भी जो मिल रहा है हमें, हमें उसको ग्रैटिट्यूड करना सीख दिया है. तो बिफोर यू यूज ग्रैटिट्यूड का मैजिकल पावर यूज करने से पहले फॉर द मनी जो आपको फ्यूचर में चाहिए, आपको ये समझना होगा द वेरियस वेज एंड एवेन्यूज दैट मनी और रिचेस कुड कम इन टू योर लाइफ. तो आपको उस जगह पे फोकस करना होगा जहां से आपका मनी आ सकता है जल्दी, और आपको उस जगह को ग्रैटिट्यूड करना होगा. क्योंकि बिकॉज इफ यू आर ग्रेटफुल ईच टाइम योर मनी और रिचेस इंक्रीज, यू विल स्टॉप द अबंडेंस फ्रॉम फ्लोइंग. तो हर एक बार जब आप ग्रेटफुल नहीं होते हो, आप उतना ही बार मनी का फ्लो अपने लाइफ से स्टॉप कर देते हो, बीच में रोक देते हो. क्या पता आपके पास कल कोई बोनस आने वाला हो जॉब से, या फिर कोई आपको इंक्रीज मिलने वाला हो सैलरी से, पर आज आप एक नेगेटिव थॉट लाओगे और वो बोनस या फिर वो सैलरी इंक्रीजमेंट आपका रुक जाएगा वहीं से. जो अबंडेंस आने वाला था आपका मैजिक का, वो रुक जाएगा आपका. तो हमें एक सेकंड के लिए भी मनी के बारे में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है अपने दिमाग में. मनी कैन कम टू यू थ्रू रिसीविंग एन अनएक्सपेक्टेड चेक, एन इंक्रीज इन सैलरी, अ लॉटरी विन, अ टैक्स रिफंड, और एन अनएंटिसिपेटेड गिफ्ट ऑफ मनी फ्रॉम समवन. योर मनी कैन ऑल्सो इंक्रीज व्हेन समबडी एल्स स्पॉन्टेनियसली पिक्स अप द टैब फॉर कॉफी, लंच और डिनर व्हेन यू आर अबाउट टू परचेज एन आइटम एंड यू डिस्कवर इट हैज बीन डिस्काउंटेड. When there's a money back offer on a purchase, or when somebody gives you a gift of something you need to buy, the end result of every one of these circumstances is that you have more money. So whenever a situation arises, ask yourself, does this circumstance mean that I have more money? Because if it does, you need to be very grateful for the money you're receiving through that circumstance. ओके, तो मनी आपको कैसे भी आ सकता है, जरूरी नहीं है आपको कोई हाथ में लाके कैश ही देगा. वो आपको चेक के थ्रू आ सकता है, आपके सैलरी में इंक्रीज हो सकता है, आप एक लॉटरी जीत सकते हो, कोई टैक्स रिफंड हो सकता है, कोई आपको कोई गिफ्ट दे सकता है. मनी जैसे हम एनवेलप्स ये सब देते हैं ना बर्थडे वगैरह पे, तो कोई आपको वैसा गिफ्ट दे सकता है. सो मनी आपका कहीं से भी इंक्रीज हो सकता है, और कोई भी आपका ये मनी इंक्रीज कर सकता है. सपोज आपको किसी चीज का जरूरत है, आप मतलब आप कोई चीज खरीदने गए, सपोज आप फोन खरीदने गए और जो मॉडल फोन का आपको पसंद आया उसी मॉडल पे यू गेट अ डिस्काउंट ऑन दैट फोन. सो यू आर सेविंग द मनी, मतलब आपका मनी खत्म नहीं हो रहा है. इसका मतलब अगर मनी आपका खत्म नहीं हो रहा है तो एक तरीके से आपका मनी इंक्रीज ही हो रहा है, राइट. तो मनी आपका कहीं से भी आ सकता है. सपोज आपको एक एक ड्रेस का जरूरत है, पर किसी ने आपको वो ड्रेस आज गिफ्ट कर दिया, सो यू आर इंक्रीजिंग मनी, क्योंकि वो ड्रेस का भी तो कोई प्राइस है ना. अगर आप आज वो ड्रेस बेचने जाओगे तो आपको मनी मिलेगा. सो दैट ड्रेस इज एज अ इंक्रीजमेंट इन योर मनी, राइट. आपको समझ आ रहे हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर सपोज आपको आज एक फोन का जरूरत है एंड समवन हैज गिफ्टेड यू अ फोन, तो वो फोन भी एक मनी का ही पार्ट है. बिकॉज अगर आज आप वो फोन को बेचने जाओगे तो आपको मनी मिलेगा, दैट मीन्स आपका मनी इंक्रीज हो रहा है आपके पास. तो फिर मनी आपके पास इंक्रीज किसी भी तरीके से हो सकता है. इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको सिर्फ कैश ही आके देगा तो ही मनी इंक्रीज हुआ. एनीथिंग एनीवन कैन इंक्रीज मनी इन योर लाइफ मैजिकली. तो कभी भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है ना जब आपको कोई गिफ्ट देता है, या आपका कोई आप कोई लॉटरी जीतते हो, या फिर कभी आपको एकदम अनएक्सपेक्टेडली किसी से कोई ऐसी एज अ गिफ्ट कुछ मिल जाता है, तो आपको बस अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है, डज दिस सर्कमस्टेंस मीन दैट आई हैव मोर मनी. आपको बस पूछना है कि क्या ये चीज जो मेरे साथ अभी हुआ है, डज दैट मीन कि मेरे पास और मनी आया है लाइफ में. क्योंकि अगर उसका आंसर येस होगा तो आपको उस चीज के लिए फिर ग्रेटफुल होना होगा, ताकि वैसा सर्कमस्टेंस बार बार आपके लाइफ में होता रहे, राइट. अगर सोचो ये कितना अच्छा होगा, अगर आज मेरे को एक फोन का जरूरत है और किसी ने मेरे को फोन गिफ्ट कर दिया,
तो मेरे लाइफ में वो फोन एज अ मनी इंक्रीमेंट हुआ, मेरे लाइफ में मनी इंक्रीज हुआ. तो अगर आई एम बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, क्या पता आगे जाके मेरे को किसी भी चीज का जब जरूरत हो वो मेरे पास ऑटोमेटिकली गिफ्ट के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में मेरे पास ऑलरेडी आ जाए, यू नो. सो इट कितना मजा आएगा ऐसे होगा. तो अगर आपको कोई भी सिचुएशन ऐसा लगे कि हाँ छोटा सा भी 10 रुपया भी आपके लाइफ में इंक्रीज हुआ है, सो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन कि क्या इस चीज से मेरे लाइफ में मनी इंक्रीज हुआ है. इफ यस, देन यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट सिचुएशन, ताकि वो सिचुएशन बार बार आपके लाइफ में आता रहे आगे. If you tell a friend you're about to buy an item and the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you're planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if your lending institution lowers the interest rate, or a service provider offers you a far better package, your money magically increased through the saving of money. Are you getting the idea of the unlimited situations where you can receive money? ओके, तो दीज आर सम मोर एग्जाम्पल्स ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए. तो अगर आप सपोज कोई सामान बाय करने जा रहे हो, अगर आप सपोज मेकअप का कोई सामान बाय करने जा रहे हो एंड आपका ऐसी रैंडमली फ्रेंड से बात हुआ या किसी से भी बात हुआ एंड दैट पर्सन वो अग्री हो गया कि हाँ मेरे को तो इस चीज का जरूरत नहीं है, सो यू कैन टेक इट. तो इस तरीके से भी आपका मनी इंक्रीज ही हुआ है, क्योंकि अगर आप वो सामान खरीदे जाते मेकअप का तो आपका मनी लगता. पर इन द सेम वे अगर आप वो मेकअप का प्रोडक्ट जो आपकी फ्रेंड ने आपको दिया, अगर आप उसको बेचने जाओगे तो यू विल इंक्रीज मनी. अगर आप कहीं सपोज बाहर ट्रैवल कर रहे हो और आपने आपने कोई ट्रैवल एजेंट से बात किया, ही गेव यू अ डिस्काउंटेड ऑफर, कोई स्पेशल ऑफर दिया, तो आप अपना मनी उसमें सेव कर रहे हो. दैट सेविंग मनी इज इक्वल टू इंक्रीजमेंट ऑफ मनी इन योर लाइफ. ठीक है, तो आप ये समझ लो कि आप किसी भी चीज के थ्रू या किसी भी सिचुएशन के थ्रू अगर थोड़ा सा भी मनी आपका सेव हो रहा है ना, उसका मतलब यही होता है कि आपके लाइफ में मनी इंक्रीज हो रहा है. तो आपको आइडिया भी नहीं है कि ऐसे कितने सिचुएशन हमारे साथ डेली होते हैं जिसमें वी रिसीव मोर मनी. पर हमने एक मतलब होता है परसेप्शन बना लिया है अपने दिमाग में कि अगर हमें कैश या चेक कुछ मिल रहा है तभी हमारा मनी इंक्रीज हो रहा है. ऐसा नहीं है. आपका छोटे छोटे चीजों से भी जो आपको मिलते हैं बर्थडे पे, कोई भी ओकेजन पे, किसी भी वक्त आपको जब ऐसे छोटे छोटे चीज भी मिलते हैं ना, तो दैट ऑल्सो मीन्स दैट यू आर इंक्रीजिंग मनी इन योर लाइफ. तो आपको ध्यान रखना है ऐसे छोटे छोटे सिचुएशंस का, और उन सब सिचुएशंस के लिए यू हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल. मोस्ट लाइकली यू विल एक्सपीरियंस सम ऑफ दीज सिचुएशंस इन द पास्ट, एंड वेदर यू रियलाइज इट और नॉट एट द टाइम, दे अकर्ड बिकॉज यू अट्रैक्टेड देम. But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but it's not luck at all. It's universal law. तो बहुत बार हमारे साथ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जो हम रियलाइज भी नहीं करते, हाँ मेरे साथ ये हो गया इस टाइम पे. ये क्यों होता है? क्योंकि पास्ट में मतलब पहले आपको इस मैजिक के बारे में पता नहीं था. तो क्या पता कभी आपने अपने माइंड में ऐसी सोच लिया होगा उस सिचुएशन के बारे में. सपोज मतलब अगर मेरा बर्थडे आने वाला है एंड आई नीड अ न्यू लैपटॉप सपोज, तो मैंने किसी को बोला नहीं, बस मैंने ऐसी, मेरे को इस मैजिक के बारे में भी नहीं पता है, मैंने बस एक दिन ऐसी बैठे बैठे सोच लिया कि काश कोई मेरे को लैपटॉप गिफ्ट कर देता तो कितना अच्छा होता, यू नो. तो अगर हम मतलब पहले ऐसा कोई सिचुएशन के बारे में सोचते हैं ना पास्ट में, तभी हमारे साथ वो होता है. गुड लक वगैरह कुछ नहीं होता है, जो हम सोचते हैं वो ही हमारे साथ होता है. और अब हमें जब पता चल गया है इस ग्रैटिट्यूड के प्रैक्टिस के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो पहले तो हम कुछ कुछ ऐसी सोच लेते थे तो हमारे साथ हो जाता था. पर अब जब हमें इस चीज के बारे में पता चल गया है, आई अर्ज ऑल ऑफ यू कि आप इसका ज्यादा से ज्यादा यूज उठाओ एंड यू थिंक वट एवर यू वॉन्ट इन योर फ्यूचर. जो भी चीज आपको चाहिए उसी चीज के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा सोचो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड इज द ओनली वे इन योर लाइफ टू अट्रैक्ट मैजिकल सिचुएशन. बहुत लोग इसको गुड लक बोलते हैं जो इस मैजिक के बारे में जानते नहीं है, जो बिलीव नहीं करते कि वर्ल्ड में एक्चुअली मैजिक होता है.
बट एक्चुअली ये लक नहीं होता है, दिस इज द यूनिवर्सल लॉ, पूरे यूनिवर्स का लॉ है ये, दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ जो हर एक जन के लाइफ में होता है अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली. मैजिक बुक इसीलिए बनाया गया है ताकि हम इस जो हम अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीजें कर देते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना गलती से लग गया, गलती से ये हो गया वो हो गया, तो मैजिक बुक इसीलिए बनाया गया है ताकि जो मैजिक आप अनकॉन्शियसली कर रहे हो कभी कभी अपने लाइफ में, वो आप कॉन्शियसली कर पाओ और आप उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाओ. सो दैट इज वाई दिस मैजिक बुक इज डिजाइन, सो दैट यू नो द मैजिक दैट इज देयर इन द यूनिवर्स एंड यू कैन यूज दैट मैजिक इन योर लाइफ. Any circumstance that results in you having more money or receiving something that costs money is a result of your gratitude. You will feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. Okay, so aisa any circumstance jiske wajah se aapke आपके लाइफ में मनी आ रहा है या फिर आपका किसी किसी सामान के लिए मनी बच रहा है आपके पास, ऑल दैट इज अ रिजल्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड. कभी ना कभी आपने ग्रैटिट्यूड किया होगा कुछ, तो ही आपको आज उसका रिजल्ट मिल रहा है. अगर इफ यू फील ग्रेट जॉय इन नोइंग दैट यू डिड इट एंड व्हेन यू कंबाइन योर जॉय विद ग्रैटिट्यूड, यू हैव रियल मैग्नेटिक फोर्स दैट विल कीप अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर अबंडेंस. इसका मतलब कि अगर हम ये मैजिक प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, हम ये अनकॉन्शियसली, काफी लोग ये अनकॉन्शियसली भी कर देते हैं जिनको इस मैजिक के बारे में नहीं पता है, पर ये मैजिक बुक के बारे में पढ़ना, इस यूनिवर्स के मैजिक के बारे में जानना क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि जब हमें कोई चीज मिले तो हम डबल हैप्पी हो कि हाँ मैंने एफर्ट दिया था, मैंने ग्रैटिट्यूड किया था, इसके वजह से आज वो चीज मेरे को मिला है. तो हम उस डबल हैप्पीनेस को, उस डबल जॉय को, और हम जब ग्रैटिट्यूड को कंबाइन करते हैं तो एक बहुत ही रियल एंड पावरफुल मैग्नेटिक फोर्स हम अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसके वजह से हमें लाइफ में अबंडेंस मिलता है. So this is the reason that all of you need to know about the practice of magic in this world. When I arrived in the US several years ago, I arrived with two suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap. I didn't have a car, and so I mostly walked everywhere. But I was grateful for everything. I was grateful to be in the US. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its four plates, four knives, four forks, and four spoons. I was grateful that I could walk the walk to most places, and I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then something incredible happened. A person I knew decided to give me a driver and a car for a few months. Other than my computer, I was living with the most basic material things to survive. And then suddenly I had my own personal driver and car. I was grateful so I was given more. And that is exactly how the magic happens in life. सो इस एग्जाम्पल में वी कैन क्लियरली सी कि इस इंसान के साथ कैसे मैजिक हुआ. जब वो यूएस गया तब उसके पास सिर्फ दो सूटकेसेस थे, एंड वो होता है ना बहुत छोटे से अपार्टमेंट में रहता था जहाँ पे उसके पास एक प्रॉपर टेबल भी नहीं था. वो लैप कंप्यूटर को अपने लैप पे रख के काम करता था, उसके पास गाड़ी नहीं था और जनरली उसको हर जगह पैदल जाना पड़ता था. बट जब वो इन छोटे छोटे चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू हुआ ना, वो इस चीज के लिए ग्रेटफुल हुआ कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में है, वो इस चीज के लिए ग्रेटफुल हुआ कि उसके पास काम है एंड ही वॉज डूइंग दैट वर्क, वो इस चीज के लिए ग्रेटफुल हुआ कि एटलीस्ट उसके पास एक छोटा सा घर तो है रहने के लिए, उसके पास प्लेट्स है, नाइव्स है, स्पून्स है. वो ग्रेटफुल हुआ कि उसके पास पैर है जिसके वजह से, गाड़ी नहीं होने के वजह से भी ही कैन वॉक टू मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. ही वॉज ग्रेटफुल कि उसके घर के पास ही एक टैक्सी स्टैंड था
देन समथिंग इनक्रेडिबल हैपेंड. इन छोटे छोटे चीजों को ग्रेटिट्यूड देने के वजह से समथिंग समडे वेरी नाइस हैपेंड विद दैट पर्सन. और वो क्या हुआ, अ पर्सन आई न्यू डिसाइडेड टू गिफ्ट मी अ ड्राइवर. तो यूनाइटेड स्टेट्स में उसका कोई फ्रेंड या कोई इंसान होगा जिसे वो जानता होगा, तो उसने क्या डिसाइड किया टू गिफ्ट हिम अ ड्राइवर एंड अ कार थोड़े महीनों के लिए. ठीक है, अदर देन माई कंप्यूटर आई वॉज लिविंग विद द बेसिक मटीरियल्स टू सर्वाइव. तो बस एक कंप्यूटर ही ऐसा चीज था जो उसके पास लग्जीरियस था, उसके अलावा सब बहुत बेसिक नीड्स के सामान थे जिसके साथ वो यूएस में रह रहा था. और फिर ये सब छोटे छोटे चीजों के लिए उसके पास ऐसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं था. लाइक एक मतलब होता है ना, नॉर्मल प्लेट स्पून को वो थैंक यू बोल रहा था. तो उसके पास आई कैन वी कैन ऑल सी कि मतलब कंप्यूटर के अलावा इतना कुछ भी लग्जीरियस नहीं था. तो इन छोटे छोटे चीजों को ही थैंक यू करने से नाउ ही हैज हिज ओन पर्सनल ड्राइवर एंड वो अभी भी ग्रेटफुल हो रहा है सो दैट ही कैन गेट इवन मोर. सो इसी तरीके से वी कैन मेक द मैजिक हैपन इन आवर लाइफ्स विद द हेल्प ऑफ जस्ट अ स्मॉल प्रैक्टिस व्हिच इज ग्रैटिट्यूड. सो व्हाट इज टुडेज मैजिकल प्रैक्टिस? Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people. At the end of this practice, you will find a blank magical check from the gratitude bank of the universe, and you are going to write out the magic check to yourself. Fill in the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Choose a specific amount of money for one thing you really want, because you will be able to feel more gratitude for the money when you know what you're going to spend the money on. Money is a means to what you want, but it's not the end result. So if you want to just thought about money per se, you wouldn't be able to feel as much gratitude. When you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than if you were just being grateful for money. तो आज का क्या मैजिकल प्रैक्टिस है हमारा, आपको इमेजिन करना है कि जो ग्रैटिट्यूड बैंक है यूनिवर्स का, उससे आपको एक मैजिक चेक मिला है एंड आपको खुद को एक मैजिक चेक देना है. ठीक है, यू हैव टू फिल इन द अमाउंट ऑफ मनी. सपोज आपको 10 लाख चाहिए, 15, जितना भी चाहिए आपको, आपको उतना अमाउंट अपने मैजिक चेक में लिखना है एंड आपको वो रिसीव करना है. आपको आपको अपने आप को वो चेक दे के बोलना है कि मेरे को ये पैसा मिल गया है. एंड आपको अपना नाम लिखना है और आज का डेट लिखना है और एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी चूज करना है दैट यू रियली वॉन्ट, बिकॉज यू विल फील ग्रेटिट्यूड फॉर द मनी वेन यू नो वॉट यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन. तो सपोज आपको एक नया कार खरीदना है, तो जो भी अमाउंट है उस कार का आप वो लिखो, जितना भी अमाउंट आपको चाहिए, और आप फिर इसके बारे में सोचो कि आप उस पैसे का करोगे क्या. आपके पास वो पैसा आ चुका है, जो ग्रैटिट्यूड का बैंक है उसने आपको वो पैसा ऑलरेडी दे दिया है. अब आप ये सोचो कि आप उस पैसे को कैसे खर्च करने वाले हो, क्योंकि जब हम इस चीज के बारे में सोचते हैं ना कि हमें क्या क्या चाहिए, तो हम और ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करेंगे. अगर हम सिर्फ पैसे के बारे में सोचेंगे कि मेरे को इतना अमाउंट पैसा चाहिए, तो फिर हम इतना फील नहीं कर पाएंगे. हमें ऐसा लगेगा कि हाँ चलो पैसा है, कभी भी कमा लेंगे, आगे थोड़े दिन बाद कमा लेंगे. पर अगर हम वो चीज को अगर हम वो चीज को देखेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए और फिर उस हिसाब से हम अपना अमाउंट ऑफ मनी लिखेंगे ना, तो हम और ज्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे और वो मनी और वो जो भी चीज है वो हम और जल्दी अट्रैक्ट करेंगे. तो मनी बस एक मीन्स है कि आपको आपको अपना एंड रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए. मनी इज ओनली अ मीन्स. तो अगर इफ यू वुड जस्ट थॉट अबाउट मनी पर से, यू वुडंट बी एबल टू फील मच ग्रेटिट्यूड पर से. मतलब अगर आप सोचोगे कि हाँ मेरे को एक मंथ में इतना मनी चाहिए या एक ईयर में मेरे को इतना मनी चाहिए, तो आपको उतना ग्रेटिट्यूड का फीलिंग नहीं आएगा. पर अगर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट लिख दोगे और आप लिखोगे कि मेरे को इस सामान के लिए ये मनी लगेगा, तो आप और ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर पाओगे. एंड जब आप वो इमेजिन करोगे कि जो जो सामान आपको चाहिए था वो आपको सही में मिल रहा है या फिर मिल गया है, और मतलब जो भी आपको सपोज आपको कहीं ट्रैवल करना था उसके लिए आपको मनी चाहिए, तो आप अगर इमेजिन करोगे कि हाँ आप उस जगह ट्रैवल कर चुके हो या कर रहे हो उस जगह ट्रैवल, तो आप उस मनी के लिए और ज्यादा ग्रेटफुल फील कर पाओगे. यू विल फील फार मोर ग्रैटिट्यूड देन इफ यू वर जस्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर मनी. तो जब हम चीजों के बारे में सोच के मनी का अमाउंट के लिए ग्रेटफुल होंगे ना,
तो हम और ज्यादा ग्रेटफुल हो पाएंगे मनी के लिए और हम उसको और जल्दी अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने टूल। या यशस्विनी, यू आर शोइंग समथिंग। I have printed this out. I've written my days, so I don't know where to write my name. Above the amount of the money, you know, there is a place to write the name. जिसको हम check देते हैं ना, उसका एक name होता है, लिखने का एक जगह होता है ऊपर. I can't find it. Okay, मतलब कोई भी blank पे ना, you just write your name in bold letters और उसके नीचे आज आप साइड में यू राइट टूडेज डेट एंड उसके नीचे जो भी अमाउंट चाहिए यू राइट दैट। मतलब ये चैप्टर खत्म हो जाए देन आई विल शो यू माय मॉम्स मैजिक चेक व्हाट एवर शी हैज मेड, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। यू कैन फोटोकॉपी और स्कैन द मैजिक चेक फ्रॉम द बुक। यू कैन आल्सो गेट एन अबंडेंस ऑफ ब्लैंक मैजिक चेक्स फ्रॉम ये जो लिंक है ना, यू कैन गेट अ फोटो कॉपी और यू कैन स्कैन द चेक विच इज देयर इन दिस लिंक। इफ यू वॉन्ट यू कैन स्टार्ट विद अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ योर फर्स्ट मैजिक चेक एंड आफ्टर यू रिसीव द स्मॉलर अमाउंट यू कैन कीप इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑन योर नेक्स्ट चेक्स। द बेनिफिट ऑफ स्टार्टिंग विद अ स्मॉलर अमाउंट इज दैट व्हेन यू मैजिकली रिसीव it you will know that you did it, you will know absolutely that the magic of gratitude worked, and the gratitude and joy you will feel will make bigger amounts believable to you. So isme kyun likha hai to start with small amount taki jab aap wo small amount receive kar lo na to aapko is cheez pe aur zyada believe ho jaye, aur taki matlab aap jab wo small amount likho aur aapko wo magically mil jayega to aapko is cheez pe aur zyada believe ho jayega and wo jo magic ka gratitude power hai wo aapke liye work kar jayega, to aapko aur khushi hoga aur aapko aur man karega ki I try this even more. To aap ek bar if you want aap I'll also recommend कि आप पहले एक छोटा सा अमाउंट लिखो अपने चेक पे एंड स्टार्ट विद दैट, फिर जब आपको वो मिल जाएगा ना तो आपको एक बार इस पे बिलीव हो जाएगा एकदम अच्छे से एंड यू नो आपको बहुत हैप्पीनेस भी मिलेगा कि आपने इस मनी को अट्रैक्ट किया है, आपने काम किया है कुछ जिसके वजह से आपको ये मनी आज मिला है, तो उसके बाद आपको जो बिगर अमाउंट है वो भी बिलीवेबल हो जाएगा आपके लिए। Once you have filled in the details of the magic check, hold the check in your hands and think about the specific thing you want the money for. Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want and put as much excitement and gratitude into it as you can. Okay. तो आपको क्या करना है, एक बार आपने जो डिटेल्स मैंने बताया उसको मैजिक चेक पे फिल कर दिया, उसके बाद आपको वो चेक को अपने हाथ में पकड़ना है और उस पैसे से आपको जो जो सामान या जो भी चीज चाहिए, आपको कहीं जाना है या जो भी आपको करना है उस पैसे से, आपको उसको विजुअलाइज करना है, आपको उस चीज का पिक्चर अपने माइंड में बनाना है कि आप उस जगह चले गए हो, या अगर आपको कोई सामान चाहिए तो वो सामान आपको ऑलरेडी मिल गया और आप इसी पैसे से वो सामान खरीद रहे हो। आपको ये भी इमेजिन करना पड़ेगा कि आज जो आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हो ना, आप उसी पैसे से वो सामान खरीद रहे हो एंड ये आपके मन में, ये आपके अंदर और ज्यादा एक्साइटमेंट और ग्रैटिट्यूड ले आएगा। Maybe you want the money for a new pair of shoes, a computer, or a new bed. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you would purchase what you want online, then picture yourself receiving the delivery. So you feel excitement and gratitude. You might want the money to travel overseas or for your child's college education. So imagine buying an airplane ticket or opening a college bank account and feel as happy and grateful as if you've really received it. Okay, तो maybe you want आपको maybe एक नया shoes चाहिए होगा, computer, bed, आपको एक picture print कराना होगा अपने लिए, कुछ भी छोटा मोटा सामान जो आपको चाहिए, आप उसको imagine करोगे वो magic details में, details fill करने के बाद, and if you would purchase, what would you want?
इफ यू परचेज व्हाट यू वांट ऑनलाइन देन पिक्चर योरसेल्फ रिसीविंग द डिलीवरी. अगर आप कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो तो आपको पिक्चर करना है कि वो डिलीवरी बॉय आके आपको वो सामान दे गया है, या अगर आप शॉप में जाके खरीद रहे हो तो आपको इमेजिन करना है कि आप इसी पैसे से शॉप में जाके वो सामान खरीद रहे हो, और आपको इसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है और बहुत एक्साइटेड फील करना है कि हाँ मेरे को वो सामान मिल गया है. अगर आपको कहीं बाहर, अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है, या आपको अपने बच्चे के लिए, बच्चे के एजुकेशन के लिए मनी चाहिए, या आपको एक एयरप्लेन टिकट खरीदना है, या आपको एक बैंक अकाउंट खोलना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो इस मनी से. इट्स टोटली अप टू यू. पर आपको बस डिटेल्स फिल करने के बाद इमेजिन करना है कि आप उस मनी से क्या कर रहे हो, और आपको इस चीज के लिए ग्रेटफुल और हैप्पी होना है कि जैसे आपको वो चीज और वो मनी मिल गया है. After you completed these steps, take the magic chair with you today or put it in a place where you will see it often. At least on at least two more occasions during the day, today, take the magic chair in your hands, picture yourself actually using the money for what you wanted, and feel as gratitude and excited as you can, as though you are really doing it. If you want, you can do it more times in the day. As with any other magical practice, you can't do it too often. तो जब आप ये स्टेप्स कंप्लीट कर दोगे ग्रेटिट्यूड करने का, आपको वो मैजिक चेक को ऐसे जगह पे रखना है जहां पे आप उसको डेली देख पाओ, ज्यादा से ज्यादा देख पाओ. एटलीस्ट आपको पूरे एक दिन में, एटलीस्ट आपको वो मैजिक चेक को दो बार अपने हाथ में लेके आज आपको अपने आप को पिक्चर करना है कि आप इस पैसे से वो सामान खरीद रहे हो, या फिर जो भी आपको इस पैसे से करना है आप वो चीज कर रहे हो, एंड आपको उसके लिए ग्रेटफुल और एक्साइटेड फील करना है. एंड एज यू, एंड आपको ये इमेजिन करना है कि वो चीज आप अभी शॉप में खड़े हो और आप वो चीज खरीद रहे हो, या अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको इमेजिन करना होगा कि आप चले गए हो वो जगह एंड यू आर ट्रैवलिंग. ठीक है, ये आप आज तो आपको दो बार करना है कभी भी, या जब भी आप मैजिक चेक बनाओगे उस दिन आपको दो बार करना होगा. डू इट एज सून एज पॉसिबल. अगर आपको और जल्दी अट्रैक्ट करना है तो आप कितने बार भी कर सकते हो, पर बहुत ज्यादा मत करना. ठीक है, लाइक एक दिन में दो बार इज इनफ. आपको डेली करना है आप डेली करो, आपको कभी कभी करना है तो आप कभी कभी करो. At the end of today, either keep your magic check where you had it or put it in another prominent place where you will see it daily. You could put it in your on your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your magic lock, in your car or wallet, or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feel as though you've received the money and be grateful that now you can have or do what you want. तो आपको आज के एंड ऑफ द डे पे क्या करना है, आपको मैजिक चेक को ऐसे जगह पे रखना है जहां पे आप उसको बार बार देख पाओ. एटलीस्ट अगर ग्रेटिट्यूड नहीं भी करो तो बार बार एटलीस्ट देख पाओ. तो आप बाथरूम के मिरर पे लगा सकते हो, अपने फ्रिज पे लगा सकते हो, जो आपका मैजिक रॉक आप रखते हो आप उसके साथ भी उसको रख सकते हो. अपने गाड़ी में अगर आप डेली ट्रैवल करते हो आप उधर लगा सकते हो, वॉलेट में रख सकते हो, या अगर आप कंप्यूटर बहुत यूज करते हो उधर लगा सकते हो, बैकग्राउंड में जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड होता है आप उधर लगा सकते हो. तो आपको ये मैजिक चेक ज्यादा से ज्यादा बार देखना है एक दिन में, और आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रेटफुल होना है, और ऐसे ग्रेटफुल होना है कि आपको वो पैसा, वो मनी जो आपने उस पे लिखा है वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है, और उस मनी के साथ आपको जो भी करना है आप अभी वो कर रहे हैं. मैजिक प्रैक्टिस नंबर 17, द मैजिक चेक व्हेन यू हैव रिसीव. Okay, when you receive the money on your magic check, or if you receive the item you wanted to spend the money on in another magical way, replace the check with a new amount for something else what you really want, and continue with the magic check practice as long as you want. तो जब आपको वो मनी मिल जाएगा आपके मैजिक चेक पे जो आपको लिखा है, और इफ या फिर आपने जो आइटम लिखा है अगर आपको वो भी मिल गया जिससे आपको वो मनी स्पेंड करना था, और इन एनी अदर मैजिकल वे, वो चेक को आप रिप्लेस कर दो एक नए अमाउंट के साथ, एक दूसरा अमाउंट लिख दो आपको जो भी दूसरा चीज चाहिए एंड दैट यू रियली वॉन्ट,
और ये मैजिक चेक का प्रैक्टिस आप कितने भी टाइम तक कंटिन्यू रख सकते हो। अगर आपका 10 बार भी मैजिकली आपको पैसा मिल गया है, 10 बार भी आपका विशेष पूरा हो गया, आप स्टिल उसको कंटिन्यू रख सकते हो। देयर इज नो लिमिट, आप कितना बार भी ये मैजिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। सो मैजिकल प्रैक्टिस नंबर 17, द मैजिकल चेक। आई क्विकली गिव अ रीकैप क्योंकि उसके बाद आई शो यू कि कैसे आप मैजिकल चेक का प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो फर्स्ट इज काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपको 10 चीज का लिस्ट बनाना है फॉर द थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल, और आपको रीजन लिखना है, और हर एक ब्लेसिंग के नीचे आपको थैंक यू लिखना है, और उसके बाद रीरीड करना है पूरा लिस्ट को। आज का प्रैक्टिस क्या है, आपको अपना मैजिक चेक का प्रिंट आउट निकाल के आपको उसमें अपना अमाउंट ऑफ मनी जो आपको चाहिए वो लिखना है आपका नेम के साथ, और आज के डेट के साथ आपको वो फिल करना है। फिर आपको मैजिक चेक को अपने हाथ में होल्ड करके इमेजिन करना है कि वो मनी आपको मिल गया है, और वो मनी को आपको जिस भी वे में स्पेंड करना है आप उसको स्पेंड कर रहे हो, और आपको स्पेंड करते टाइम पे जब आप विजुअलाइज कर रहे हो कि आपको वो मनी मिल गया एंड यू आर स्पेंडिंग इट ऑन द थिंग, आपको बहुत हैप्पी फील करना है एंड यू हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल कि आपको वो मनी मिला है। फिर मैजिक चेक को आपको ऐसे जगह लगाना है जहां पे आप उसको बार बार देख पाओ, और आज एटलीस्ट 2 ओकेजन, एक दिन में एटलीस्ट 2 बार आपको वो चेक को हाथ में लेके अपने आप को पिक्चर करना है कि आपको वो मनी मिल गया है एंड यू आर वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। और एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू कीप, हाँ ये तो हो गया, जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप टुनाइट आपको अपना मैजिक रॉक अपने हाथ में होल्ड करके यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड इन योर डे। तो यहाँ पे एंड में भी ना मैजिक चेक का ये वो है, आप बस इस लिंक को, अगर आप फोन से कर रहे हो तो आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो तो इस लिंक को कॉपी करके आप इधर सर्च कर दो। अश्विका दीदी, आई वांट माय लैपटॉप एंड आई जस्ट क्लिक्ड इट। ओके ओके, हाँ यू कैन डू दैट आल्सो। तो इधर जाने के बाद ना ये प्रोडक्ट्स में आप जाओगे ना तो प्रोडक्ट्स में आपको दिखेगा मैजिक चेक। गिफ्ट फॉर यू में, हाँ हाँ सॉरी, द गिफ्ट फॉर यू में ये है ना, द मैजिक चेक। सीक्रेट चेक पे नहीं क्लिक करना है, ये मैजिक चेक पे आपको क्लिक करना है एंड आपका ये मैजिक चेक इधर आ जाएगा। यू हैव टू, आपको इसी चेक पे लिखना है, आप कोई और बैंक ये सब के चेक पे नहीं लिख सकते हो, आपको इसी चेक। कैन यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड पोस्ट इट इन द ग्रुप सो दैट लोग इसको प्रिंट आउट करके इजी हो जाएगा फिर सबके लिए। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ओके, आई पोस्ट द स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप। तो आई एम जस्ट सेइंग चेक को फिल करना है, यहाँ पे डेट फिल करना है, जो भी अमाउंट आपको चाहिए। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू कि एक आप प्लेन चेक डाल दो और एक फिल्ड अप चेक वो भी ग्रुप में डाल दो। अच्छा, तो क्या ना सबके लिए इजी हो जाए। हाँ, सो इट विल बिकम मोर इजी फॉर दैट। हाँ, मेरा जो फिल्ड अप चेक है दैट आई पुट इन द ग्रुप और प्लेन चेक भी आई पुट इन देयर। एनी क्वेश्चंस फॉर टुडेस चैप्टर? अभी सब लोग मेरे ख्याल से वो चेक के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए नो क्वेश्चंस, जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट द अमाउंट यू विल फिल इन द चेक एंड जस्ट इमेजिन दैट अमाउंट कमिंग टू यू नियरर एंड नियरर, है ना, ये सब वही सोचने में लगे हुए हैं। ग्रेट, यस। तो ये जो मैजिक चेक है, लाइक दिस इज रियली रिमार्केबल, यू नो what I can just suggest you one thing, if you like to do that, aap is check ke na 5-7 copies nikal lo, okay, aur sab mein ek hi amount ko likho, jo amount aap chah rahe ho, ek copy to aap apne paas rakh lo ki baad mein aap fir usko xerox kar sakte ho, theek hai, aur 4-5 jo copies hai unme aap ek amount likhiye, same amount likhiye and keep it at 4-5 places jo din mein aap 4-5 baar kholte ho। जैसे मे बी अगर कोई अलमारी का आपका कोई ड्रॉर है या कोई अलमारी का शेल्फ है या कोई खन है उसमें लगा दो, टॉयलेट में लगा दीजिए, जहां पे भी आप सबसे ज्यादा जानते हो जाते हो मिरर के पास लगा दीजिए, ताकि दिन में जितनी बार आप कहीं जाओ या कहीं भी यू कीप लुकिंग एट द चेक। और कितनी बार तो कितने लोग पता क्या करते, रात को जब आप सोते हो, जब सोते वक्त फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग उठते ही आपकी जिस चीज पर आंख पड़ती है, maybe that wall or your ceiling, put that check there
So that first thing which you see in early in the morning is your check. And दिन में जितनी बार आप वो चेक देख सकते हो अलग अलग जगह पे, जितनी बार आप उसको देखोगे और उसको इमेजिन करोगे that it is coming to you, you will see that it is happening like this. ठीक है? Yes. Anyone would like to share? Okay, now today is a very special day because it is Yashaswini's birthday. Oh. So can we all wish her a very, very happy birthday? Happy birthday, Yashaswini. Happy birthday, Yashaswini. Happy birthday, Yashaswini. Thank you. Yes. You know, this is, today is her 10th birthday. And you know, you will always remember your 10th birthday because it is going to be a magical birthday for you. Yes. We are all sending you best wishes. Yes, yes. And you can ask the universe from the magical check. एकदम अपना सबसे best gift तुम मांग सकती हो यशस्वी. I know. Really. She's a very special child. And God bless her. And may you get all that you always wanted. Sab kuch aapko life mein mile. Bharpoor pyar, bharpoor success, bharpoor everything that you desire. God bless you. God bless you. Thank you. Yashaswini, aaj batao. Happy birthday to you. Dekho to sahi. Can we all just sing a happy birthday together? Yes, 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 yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Sushmini, smile. God bless. Photograph. I'll just click a photograph. Yashaswini. Happy birthday, Yashaswini. Yeah, Navya, come on board. Navya Siksaria, Navya Mallika. Yes, auntie. Put on your video. Yes, let us see. Ready, steady, Yashaswini. Chehra dikhao. Yes. Yay. Yay. Happy birthday, Yashaswini. Happy, happy, happy birthday. Thank you. Joy, Lord. Yashaswini, aaj ke din ho. Happy birthday, Ashi. Yashaswini, cake bhijwana padega. Bahut logo ne wish kar diya aapko. आज के दिन यशस्विनी डोनाल्ड डक इन्वेंट हुआ था, पता है? वॉल्ट डिज्नी का डोनाल्ड डक आज के दिन 9 जून 1934 में फर्स्ट द वाइज लिटिल हेन में आज डोनाल्ड डक इन्वेंट हुआ था आज. वाओ, सोचो यशस्विनी, यू शेयर योर बर्थडे विद द डोनाल्ड डक. डू यू लाइक द डोनाल्ड डक? Chalo, that was wonderful, and wishing you a very, very happy birthday once again. And let us all make our checks. Yeah, and, she even Gopi said thank you. Yeah, she even Gopi said happy birthday. See you all. See you.